आपको इन चारों में से कौन सी कार सबसे ज्यादा बेस्ट लग रही है मुझे कमेंट में जाकर जरूर बताना। और मुझे मालूम है सब लोग इस रेड वाली कार की तारीफ करने वाले हो क्योंकि बिल्कुल बुगाटी जैसी दिखती है। बाकी हाँ, इस शोरूम को अकेले लमार हैंडल कर रहा है और हमें लमार को भी सैलरी देनी पड़ती है। यहाँ पर काफी सारे इसने बंदे रख लिए जो कि हर एक कस्टमर अटेंड करते हैं। भाई भीड़ बहुत ज्यादा लगी है शोरूम पे। वैसे जो बाकी बची कुछ कार है ना, वो शायद से पीछे गैराज में होनी चाहिए। गैराज में है तो यहाँ पर, लेकिन ये गाड़ी खोल के रुकी तो सारी की सारी नई कार थी ना, इसमें क्या मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ी। ओ तेरी बैनी भी यहीं पर आया हुआ है क्या? वेट भाई, बैनी भी यहाँ पर फुल गाड़ियों की मॉडिफिकेशन में लग गया है। किसी गाड़ी का इंजन निकाला हुआ है, पता नहीं ठीक कर रहा है या इसे और भी कई ज्यादा अपग्रेड कर रहा है। खैर वो सब छोड़ो, ये जो अपनी लैम्बोर्गिनी से आना है, ये अपनी वाली नहीं है, ये एक दूसरी लैम्बोर्गिनी से आना है। फिलहाल पीछे की तरफ में और भी नई नई कार्स यहाँ पर आ गई है। और गाइस वेट, अभी ना मैं आप लोगों को एक मस्त चीज तो दिखाना ही भूल गया। अपने शोरूम के बैक साइड में ना एक बहुत बड़ा गार्डन है जहां पर जितने भी एम्प्लॉयज है जो शोरूम में काम करते हैं या फिर जो नया कस्टमर आता है वो अपना यहाँ पर बैठ के आराम से चिल कर सकता है, अपना लंच वगैरह कर रहे हैं लोग यहाँ पर बैठ के, शायद से भी तो लंच टाइम भी नहीं है। खैर वो सब छोड़ो, अभी ना मुझे चल के लमार को बोल देना चाहिए कि यहाँ पर ये जितनी भी कार्स है ना, इन सभी कार्स को एक ट्रेलर पे लोड करवा दे जल्दी से जल्दी, ताकि हम लोग इन कार को अपने पुराने वाले शोरूम में ले जाएं, क्योंकि यहाँ पर अब फरारी की टॉप कार्स आने वाली है और वो बहुत तगड़ी लगेगी अपने शोरूम में। ओके गाइस, तो अभी ना मेरी फिलहाल लमार से बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि बस इन कस्टमर्स को अटेंड कर दे, इनको गाड़ी दिखा दे, उसके बाद ये फोन करके बोल देगा अपने बंदों को ताकि वो जल्दी से जल्दी आकर ये सारी की सारी गाड़ियां ना सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर हर एक ट्रक पे लोड करवा दे। फिलहाल अभी मैं यहाँ से जाने वाला हूँ सीधा फरारी वालों ने जो हमारे लिए कार भिजवाई है उसको पिक करने के लिए। और वो जो कार्स हैं उन्होंने कोई ऐसे फैक्ट्री वगैरह से नहीं भिजवा रहे, किसी दूसरी कंट्री से आई है शिप के थ्रू, तो हमें टर्मिनल पे जाना पड़ेगा उन कार्स को लेने के लिए। टर्मिनल यहाँ से ज़्यादा दूर तो नहीं है बट सीधा रास्ता नहीं है कोई जाने का। अगर हमें बाइक से जाना है तो बहुत ज़्यादा घूम के जाना पड़ेगा, अदरवाइज जल्दी जाना है तो हमें बोट पकड़नी पड़ेगी जो कि बहुत बेकार है। ऑल राइट गाइस, तो अभी ना फिलहाल मैं अपनी बाइक को फुल स्पीड में भगाता हुआ सीधा लेकर पहुंचने वाला हूँ जेट सैम टर्मिनल पे, जहाँ से मुझे सभी फरारी कार्स को पिकअप करना है और उन्हें लेकर जाना है अपने नए वाले शोरूम में। बाकी उन लोगों ने मुझे बोला था कि ऑक्टोपस करके कोई शिप है जिसमें हमारी सारी की सारी कार्स आई है, बट मुझे पता नहीं है कि आखिरकार वो शिप किधर है। वैसे एक शिप ना सामने डूबा हुआ है लेकिन उस शिप का नाम SS बल्कर है, ये अपने वाली शिप नहीं है। मुझे शायद इन लोगों से पूछना चाहिए। खैर छोड़ो यार, मैं ढूंढ ही लूंगा, अपने पास बाइक है सुपर फास्ट, पूरे के पूरे टर्मिनल पे 2 मिनट में घूम लेंगे। हाँ तो मुझे अपनी बाइक को अभी यहाँ से बाहर निकालना होगा, दूसरे वाले रोड पे चलते हैं। यहाँ पर ना 2-3 रोड है और टर्मिनल बहुत ज़्यादा बड़ा है तो ढूंढने में थोड़ा बहुत टाइम जा सकता है। वैसे फिलहाल अभी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और इधर तो यार गेट बंद हो रखा है। वेट, हेलो, शायद से यही होगा वो टर्मिनल का रास्ता। यहाँ पर कोई है क्या? एक सेकंड, सामने कोई सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है, मुझे शायद ना पहले इससे बात करके ये वाला गेट खुलवाना होगा। हेलो ब्रो, देख ही नहीं रहा वो मेरी तरफ। हेलो भाई, गेट खोल। अबे वो देख ही नहीं रहा मेरी तरफ। हेलो, एक सेकंड, एक और लात देनी पड़ेगी गेट पे, सुन ही नहीं रहा। ओके गाइस, तो अभी ना मेरी फिलहाल इससे बात हो चुकी है और मैंने इसको बोल दिया कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, अंदर कार्स की डिलीवरी आई है जो कि मुझे लेकर आनी है। और उसने हमें बोल दिया कि हम फटाफट से बस गेट खोल रहे हैं, आप अंदर आ सकते हो, लेट्स गो। फटाफट से भी अपनी बाइक उठाते हैं और जल्दी से चलकर देखते हैं कि आखिरकार वो जो ऑक्टोपस वाले शिप है वो कहाँ पर आके खड़ी हुई है। और गाइस ये देखो, यही है वो शिप जिसे हम दूर से देख रहे थे जो पानी के अंदर, शायद से इसमें कुछ ज्यादा ही सामान भर के भेज दिया होगा और जब अनलोडिंग कर रहे होंगे तो लेफ्ट साइड का सामान सारा उतार दिया होगा, बट राइट साइड लोड पड़ा और शिप जो है पूरी नहीं डूबी बट राइट साइड में ऑलमोस्ट पूरी की पूरी गिर चुकी है। मुझे यार वो वाली जो शिप है ना यहाँ पर भी कहीं नजर नहीं आ रही, शायद थोड़ा और आगे चलना होगा। तो अभी ना मुझे वो शिप नजर आ गई है जिसमें अपनी सभी फरारी की कार्स दूसरी कंट्री से लोड कर आई है, और वो शिप, वो देखो गाइस सामने खड़ी हुई है, उसके ऊपर लिखा हुआ है ऑक्टोपस। तो यही शिप है जो मैं इतनी देर से यहाँ पर चारों तरफ घूम के ढूंढे ही जा रहा हूँ। बट वेट, मैं यहाँ पर पहुंच तो गया हूँ लेकिन इस जगह पर भी मुझे कहीं पर भी कोई भी गाड़ी नजर नहीं आ रही खड़ी हुई। वैसे एक बार आप लोग बैक साइड में यहाँ से लॉस सैंटोस के एयरपोर्ट का व्यू देखो, कितना ज्यादा तगड़ा लग रहा है। 2-2 प्लेन खड़े हुए हैं और एक बहुत बड़ा कार्गो प्लेन भी सामने खड़ा हुआ है। वैसे ये जो ऑक्टोपस वाली शिप है ना, ये लिबर्टी सिटी से आई है क्योंकि उसमें लिखा हुआ है लिबर्टी सिटी, यानी कि अपनी सभी फरारी कार्स अपने पास लिबर्टी सिटी से आने वाली है। बट वेट, मुझे ना अभी तक समझ नहीं आ रहा कि अपनी फरारी कार्स कहाँ पर है, लेकिन एक बार आप लोग यहाँ बैक साइड में देखो। ओह वेट,
तो इन लोगों ने सारी की सारी गाड़ियां जो है अनलोड करवा के यहाँ खड़ी कर रखी है। शायद मुझे पहले ना चल के इससे बात करनी होगी, फिर अपनी सारी गाड़ियां मुझे अपने शोरूम में लेकर जानी है। हेलो सर। ऑल राइट, तो अभी ना गाइस मेरी फिलहाल इससे बात हो चुकी है, और गाइस ये ना सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो कि फरारी वालों ने अपनी कार्स की सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर भिजवाए हैं। और ये लोग ना सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी तक की सिक्योरिटी नहीं, बल्कि हमारे साथ हमारे शोरूम पे चलने वाले हैं, और पूरे टाइम दिन रात जाग के उस शोरूम की भी सिक्योरिटी फुलफिल करने वाले हैं। बाकी यार एक बार ये आप लोग ध्यान से देखो कि ये जो जितनी भी कार्स है ये इन लोगों ने कितने महंगे महंगे ट्रक्स में यहाँ पर भिजवाई है। वैसे एक ही ट्रक है जिसमें कार्स आई है, जो आप बड़ा वाला ट्रक देख पा रहे हो ना,